फ्रेंड वेलकम बैक टू अंदर वीडियोस। फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने फोटो को कैसे रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अपने स्मार्टफोन के अंदर ही कोई भी एग्जाम की फॉर्म एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन फिल करना चाहते हो तो उसके लिए फोटो को रिसाइज करना जरूरी है और स्मार्टफोन के अंदर आप फोटो को रिसाइज कर सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड मेरा नाम है अरुण, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड। सो गाइज फोटो को रिसाइज करने के लिए हम अपने स्मार्टफोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो अपने को स्मार्टफोन के अंदर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है रिसाइज फोटो। रिसाइज फोटो सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगी जिससे आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, रिड्यूस इमेजेस डॉट कॉम वाली। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर रिसाइज एंड इमेज पर और यहाँ पर ड्रॉप योर इमेज हेयर ऑन ब्राउज। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने फोटो को क्लिक करना है अपने स्मार्टफोन के अंदर और उसे क्रॉप कर देना है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर और उसके बाद हम यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए सिंपली फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर जिस फाइल के अंदर आप लोगों ने सेव किया है उसे यहाँ पर उस फाइल को ओपन करना है और उसे वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर सिलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ आप देख सकते हो, इसके ये अभी 424.59 KB का है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर शायद 15 KB से कम ही फ़ोटो की साइज़ मांगता है। तो आपको पहले चेक कर लेना कि आपकी फ़ोटो की साइज़ क्या मांगता है और उसकी इंचेस और वेट कितना मांगता है वो भी चेक कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसका वेट हमने 70% है आगे, तो इसको हम पहले अनलॉक यहाँ से कर लेंगे और यहाँ पर इसका वेट को हम करीब 5% रखेंगे और यहाँ पर हाइट्स को हम 7.6 कर लेंगे। तो वेट को मैंने 5% और हाइट को मैंने 7.6 रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज से हम यहाँ पर इंचेस पर क्लिक करेंगे यानी कि हमको इतने इंचेस के अंदर फ़ोटो को रिसाइज करना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर वापस चेंज हो चुका है तो यहाँ पर मैं 5 वेट लिख लेता हूँ और यहाँ पर हम हाइट को 7.6 रख लेते हैं और आपको चेक कर लेना है कि कितना रिसाइज मांगता है। तो एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर इसका रेजोल्यूशन हम रखेंगे करीब 60% रख लेते हैं। सो रेजोल्यूशन को हम 60% रख लेते हैं और यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर इसके JPG फाइल के अंदर ही से हम सेव करेंगे। तो इसकी क्वालिटी हम करीब 60% रख लेते हैं। सो क्वालिटी को 60% रख लेने के बाद हम यहाँ पर रिसाइज फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो रिसाइज हो रहा है। तो इस ये रिसाइज हो चुका है और 8.9 KB के अंदर ये रिसाइज हो चुका है और इसकी यानी कि आपको उसकी KB पड़ेंगे तो यहाँ से आप उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। और वापस हम रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो रिसाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10.61 KB का हो चुका है और इसे अब हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद हमारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर ये फ़ोटो को अपलोड इजीली कर सकते हो। ये ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को फिल करने के लिए ऑनलाइन। तो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है तो डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी साइज रिसाइज कैसे हो चुकी है। तो सिंपली ये फ़ोटो देख सकते हो, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। सो गाइस कुछ इस टाइप से आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।